हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 20 सदस्य के संयुक्त परिवार के घर में रहते चोरों ने सेंधमारी को अंजाम दिया। देर रात चोर घर में घुसे और अलमारी से 34 तोला सोना और 4 लाख नकद पर हाथ साफ कर दिया। मंगलवार की सुबह चोरी का पता चला और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने हुड़केश्वर खुर्द निवासी कृपा शंकर शाहू की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। कृपा शंकर और उनके 3 भाइयों का संयुक्त परिवार 4000 वर्ग फुट में बने मकान में रहता है। पशु आहार और किराना का व्यवसाय है। सोमवार की रात सभी ने भोजन किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। देर रात अज्ञात आरोपी ने दरवाजे की चिटकनी तोड़ घर के भीतर प्रवेश किया। एक अलमारी की चाबी घर के मंदिर में रखी थी। आरोपी ने चाबी लेकर अलमारी खोली। उसी अलमारी में मुख्य अलमारी की चाबी रखी थी। मुख्य अलमारी में ही सारा सोना और नकदी रखी थी। आरोपियों ने कुल 34 तोले के जेवरात व 4 लाख रुपए के नकद पर हाथ साफ कर दिया। कल सुबह हुड़केश्वर पुलिस को जानकारी मिली कि मितलाल साहू करके हुड़केश्वर कुर्द में रहते, उनके घर में चोरी हुई करके ऐसे न्यूज मिलने के पुलिस वहाँ पहुँची। देखा तो काफ़ी बड़ी चोरी है। उसमें से उनको 4 लाख रुपए प्लस 25 तोला सोना अपना किस्म में घर पोड़ी का लॉकर वगैरह तोड़ के लेके गए हैं। साहू परिवार वहाँ पे इकट्ठा रहता है। भूसे के व्यापारी है, 4 लड़के खुद माँ बाप ऐसे करके 17-18 लोग रहते। चाल टाइप उन्होंने काफ़ी रूम बनाया हुआ है, तो सभी सोए हुए थे। सोए हुए कंडीशन के बेडरूम को कुंडी लगा के कूलर की वजह से अगर आवाज़ वगैरह नहीं आया तो कपड़ की चाबी भी मिली थी। उस कपड़ तोड़े हैं, 4 कपड़ तोड़ के लगभग 4 लाख रुपए रोक अराउंड 25 तोला सोना ये चोरी करके लेके गए। आरोपी का संशय के बारे में उनसे बातचीत की, लेकिन उनका कोई किसी के ऊपर शक नहीं है। फिलहाल आजू बाजू के CCTV फुटेज जितने हो सके थे विजय साहब हमारे दिल्ली के, उन्होंने चेक किए हुए और बाकी टेक्निकल एनालिसिस प्लस रिकॉर्ड की क्रिमिनल को चेक करके वो डिटेक्शन का काम चालू है। मंगलवार की सुबह 5:30 बजे के दौरान कृपा शंकर की पत्नी की नींद खुली तो अलमारी खुली थी। दरवाजे की चिटकनी टूटी हुई थी। पुलिस के हिसाब से कुल 9-10 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है, लेकिन केवल सोने का हिसाब लगाए तो वर्तमान में कीमत 16 लाख के आसपास है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। DCP जोन 4 अक्षय शिंदे और हुड़केश्वर के थानेदार प्रताप भोसले अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। श्वान पदक और फिंगरप्रिंट विभाग को भी बुलाया गया। मैंने सुबह 6 बजे मम्मी पापा सोए थे, उनको चला मालूम कि घर में कुछ चोरी हुआ है। ऐसे दरवाज़ा खुला हुआ दिखा तो उसके जो लॉक थे टूटे हुए दिखे, तो फिर उनने हमको कॉल किए, हम उधर के रूम में थे कि ये घर का जो है लॉक टूटा हुआ दिख रहा है। तो हम लोग आए यहाँ पे, देखे तो अलमारी का पूरा सामान बाहर बिखरा हुआ दिखा और लॉकर टूटे हुए दिखे और उधर साइड के 2-3 दरवाजे के क्लिप वगैरह टूटे हुए दिखे और उसमें अलमारी में 3-3.5 लाख के ऊपर कैश था वो गायब दिखा। सोना चांदी ये भी लेके गए। अलमारियों से फिंगरप्रिंट लिए हैं, लेकिन परिवार के सदस्य की प्रिंट मैच करने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। पुलिस को संदेह है कि चोरी में किसी जानकार व्यक्ति का हाथ है। चोरी करने वाला घर वालों की गतिविधियों से वाकिफ था। उसे पता था कि चारों भाई रात में अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अलमारी दूसरे कमरे में रखी है। घर में घुसने के बाद चोर ने बगल के कमरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।